प्रॉब्लम होती है। तो आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इसी प्लेटफॉर्म से, जिस भाषा में अपनी बात बहुत अच्छी तरह से आप सामने वाले को समझा सकें वही आपकी सबसे अच्छी भाषा मानी जाएगी। ठीक, एक तो ये कहूँगा। दूसरे, रिसर्च में जो आप लोग कर रहे हैं, स्पेशली रिसर्च स्कॉलर और यंग फैकल्टी मेंबर्स, दो तीन बातें मैंने जो ऑब्जर्व की, पोस्टर में मैंने करीब 3 घंटे बिताए, काफ़ी चीज़ें देखी सीखी। जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है वो बताना चाहूँगा। किसी भी रिसर्च टॉपिक को लेने से पहले 2-3 बातें सोचनी होती हैं। उससे पहले एक बात बता दूं, कभी भी शॉर्टकट मत अपनाइए। जो सबसे ज़्यादा मैंने सीखा, हर एक के मन में, हर एक के पोस्टर में, हर एक के बात करने की स्टाइल में शॉर्टकट, यहाँ थे यहाँ आ गए, दैट्स ऑल, कोई फायदा नहीं। शॉर्टकट कभी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकता। प्लीज रिमेंबर इट। साइंस कभी शॉर्टकट नहीं होती है। साइंस की भाषा इटसेल्फ सिस्टमेटिक स्टेप ऑफ अप्रोच, नथिंग मोर। साइंस इससे ज़्यादा है ही नहीं। अगर आपने स्टेप यहाँ पे अगर एक स्टेप को कम कर दीजिए, आप कहाँ रहेंगे? आप 20 स्टेप चढ़ के बिल्डिंग पे जाते हैं, उसके 2 स्टेप अलग कर दीजिए, व्हाट यू विल डू? इसी तरह से रिसर्च है। सभी से एक बात यही कहनी थी जो इम्पोर्टेंट है। दूसरे, जो टॉपिक लेते हैं आप, उसको पहले रीजनिंग करिए उसमें कि व्हाट आई वांट टू डू, मैं क्या करना चाहता हूँ। और 8th क्लास के 4 बातें हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, यही सारी बातें हैं जो आपने 8th क्लास में पढ़ी हैं, उन्हीं का यूज आज आप प्रैक्टिकली करते हैं। वही सेम चीज़ है, कोई नया नहीं है आपके लिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट यही है, शॉर्टकट ना अपनाएं, प्रॉब्लम को ठीक से समझे और करें, नंबर 1। नंबर 2, उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड जितने पैरामीटर हैं, से फॉर एग्जांपल, स्पेशली मैं बायोटेक्नोलॉजी से, मेरी रिक्वेस्ट ही समझिए, ठीक है, रिक्वेस्ट बोला है मैंने, सीखने के लिए रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ आपको, एडवाइज नहीं कर रहा हूँ। पहले जो एसोसिएटेड है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वी आर बायोटेक्नोलॉजिस्ट, प्लांट के बारे में जानते हैं? नहीं सर। सोयाबीन क्या होता है, इसके हमने ये लिया, राइस ये लिया, व्हाट इज राइस, राइस की क्रॉप कब लगती है, कहाँ लगती है, कहाँ से आती है, पता ही नहीं सर, आई एम बायोटेक्नोलॉजिस्ट। फिर क्या कर रहे हैं इसमें आप, इसका जीन इधर से इधर निकाल के ये करना, व्हाट फॉर, बस सब कर रहे हैं, थीसिस प्रॉब्लम दी है एडवाइजर ने। प्लीज, ऐसे नहीं होगी रिसर्च। प्रॉब्लम को समझो, क्या करना चाहते हैं, इसको करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, उनकी बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटोमी, सब उसके बारे में जानिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी रिजल्ट मिलेगा। और नहीं तो बच्चों, शॉर्टकट में तो कुछ नहीं मिलेगा। आप समझो या करने के बाद समझो, बाकी ग्रोथ पैरामीटर इन्हीं में से निकलेंगे। और चूंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, बात तो मेरे पास बहुत थी आज रिलेटेड, हार्ड वर्क करना होगा, शॉर्टकट अपनाना नहीं होगा, साइंस को समझना होगा, टॉपिक से रिलेटेड पैरामीटर जितने हैं उनको सीखना होगा। प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं तो उस प्लांट की पूरी बायोलॉजी समझनी होगी, उससे रिलेटेड स्ट्रेस है, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट है, उसकी बायोलॉजी समझनी होगी, तब आप उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। इतनी वाइड टेक्नोलॉजिस्ट के और रिसर्च का सबके लिए कॉमन कंसेप्ट है। प्लीज, 3 बार कह चुका हूँ, शॉर्टकट ना अपनाएं, लास्टली भी यही कह रहा हूँ, शॉर्टकट ना अपनाएं। सीखना है तो मेहनत करनी है, टाइम लगाना है, साइंस में फोकस नहीं चलता, स्टेटस सिंबल नहीं चलता, नो स्टेटस सिंबल, नो फोकस, नथिंग। साइंस इज वेरी सिंपल, साइंस इज नेचर इटसेल्फ। अगर नेचर में इतना बड़ा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता तो डू यू थिंक इतना बड़ा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? व्हाई एंड हाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ
सिस्टमेटिक लैग्स लेगामेंट्स ऑफ द नेचर, हर चीज टाइम पे होगी, कहीं कोई कमी नहीं होगी, ठीक है? तो प्लीज डू इट दैट वे। थैंक्स वेरी मच। और किसी को बुरी लगी हो तो मेरी बात का बुरा ना माने, उस बुराई को जो आपने लिया है उसको काम में कन्वर्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।